28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन एक जिस चीज का सबको इंतजार था वो था बीजेपी में ही रहकर बीजेपी की आलोचना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले, बीजेपी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के रिएक्शन का। और उन्होंने रिएक्शन दिया देर रात करीब 4:30 बजे, कह सकते हैं 29 मई को सुबह 4:30 बजे। और रिएक्शन ऐसा आया है कि वो इस पूजा को तांत्रिक पूजा करार देने लगे हैं। मतलब 28 मई को जो संसद भवन के उद्घाटन समारोह के मौके पर पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साथ में बैठकर पूजा की, क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक तांत्रिक पूजा थी? क्योंकि उनके ट्वीट से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे, मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। स्वामी ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगू बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। बीजेपी में रहकर ही सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई नेताओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं और अपनी आदत के मुताबिक वही उन्होंने फिर किया है। पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी है, पूजा को तांत्रिक पूजा करार दे दिया है। अब जब सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी ने नई संसद की पूजा पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे कई सवाल पूछे। 4:23 पर आए सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को देख सबसे पहले तो दुर्गा प्रसाद रथ नाम के यूजर ने लिखा, डियर सर काइंडली स्लीप, इट्स 4:30 AM। संजय श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, माननीय वो त्रेता युग था, अब असुरों का प्रभाव कम होने लगा था, ये कलयुग है, यहाँ देवता राम नाम लेने से ही तर जाते हैं, रावण तो आपने बता दिया पर राम कौन है? क्या कांग्रेस को आप राम मानकर चल रहे हैं? क्या कलयुग में की जाने वाली पूजा को आप असुरों से जोड़ रहे हैं? हरीश आरजी नाम के यूजर ने लिखा, सर वी ऑल नो टू होम यू आर रेफरिंग रावण एज, बट होम डू यू कंसिडर श्री राम इन टूडेज टाइम। वही उमेश प्रसाद रॉय नाम के यूजर ने लिखा, श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य जी, आप दोनों समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, निवेदन है कि आमने सामने आकर मत भिन्नता को समाप्त कर आप समाज को नई दिशा देने की कृपा करें, अब छिपकर हमला ना करें अन्यथा कायर की संज्ञा मिलेगी, आभार धन्यवाद। अमरदीप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, जैसे INC इंडिया को दुरुस्त करा आपने, नरेंद्र मोदी जी का विकल्प भी देश को सौंप दीजिए आदरणीय। प्रवीण कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सर तांत्रिक पूजा कौन, आर दीज इफेक्टिव, आप क्यों नहीं करवाते? तो कुछ इस तरह से लोगों ने एक तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के पीएम मोदी से खींच को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये वैसे भी कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के लिए किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हो जो कि आपत्तिजनक हो। 30 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम लेते हुए घेरने की कोशिश की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को उगड़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती न करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के जन्म के समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। अब सुब्रमण्यम स्वामी को इस तरह के ट्वीट्स कर क्या शांति मिलती है ये तो वही जानते होंगे, बस सोशल मीडिया पर वो अपने इन बयानों की वजह से ट्रोल जरूर कर दिए जाते हैं। तांत्रिक पूजा वाला ट्वीट तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे वक्त में किया है जब 28 मई 2023 को ही पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। इस मौके पर सरकार की तरफ से तमिलनाडु के अधीनम मठ के संतों को बुलाया गया था। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है और तो और उद्घाटन से पहले की गई पूजा को जिस तरह से उन्होंने तांत्रिक पूजा बता दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।